हेलो दोस्त, आप सबको अशोक जेंट्स पार्लर में स्वागत है। अभी हम कुछ दिनों से मेरा तबीयत ख़राब था, जिसके वजह से हम वीडियो आप लोगों के पास नहीं भेज पा रहे थे। अभी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक हुआ है तो अभी हम गांव पे आए हुए हैं, जो कि अभी हमारे गांव के एक टेगा बाबा हैं, जिनको हम अभी हमारे पास कोई औजार नहीं है, यानी कि मेरा सारा हथियार मेरा पटना है। और देखिए ये ब्लेड है, और इसी ब्लेड से अभी भैया को हम शेविंग करेंगे। और हमारा हथियार समझिए कि ये है, ये औजार कहिए हथियार कहिए, जो भी मेरा ये प्रोडक्ट है। और जो कि अभी हम भैया को देखिए, ये नॉर्मल ऐसे पानी से हम अभी शेविंग करेंगे, जो कि बहुत ही टेगा बाबा प्यार से बोले हैं कि अशोक जी आप पटना रहते हैं, बताइए कभी कभी अपने हाथ से मेरा भी। मैंने बोला कि भाई मेरा औजार तो अभी है नहीं, पटना है मेरा, बट ऐसा नहीं है औजार नहीं है तो भी मैं आपको सेवा दे देंगे। तो ये देखिए ब्लेड हम अभी लाए हैं दुकान से, और इनको ये जो है से कि कर रहे हैं, आप सब देखिए सिर्फ ब्लेड है ये, और ये ब्लेड से हम ये नॉर्मल बिल्कुल जैसे हम अस्तूरा से बनाते हैं, सेविंग करते हैं, वैसे ये हम इनका सेविंग कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, देखिए थोड़ा जूमिंग करके नज़दीक से दिखाइए भाई वीडियो को। ये देखिए कितना फ्रेश ये दाढ़ी है और बन रहा है। अब ये देखिए दूसरे साइड का सेविंग किया जा रहा है, एक पोर्शन यानी एक तरफ का गाल का सेविंग हो गया है, और बहुत ही साफ और स्मूथ मेरा ब्लेड चल रहा है। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा था बाबा? देख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में ऐसे भी जानते ही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि साबुन ही चलेगा, यहाँ तो हम लोग किसी तरह से चल लेते हैं, जी लेते हैं। और अब ये बहुत ही बढ़िया ब्लेड चल रहा है हम लोग का भी। अब देखिए ये देखिए थोड़ा जूमिंग कीजिए, देखिए कितना फ्रेश बना है। और अभी देखिए ये बाकी है, अब इसको हम हटा रहे हैं। ये देखिए यहाँ ब्लेड जो है बहुत ही सावधानी से चलाया जाता है, जो कि हम लोगों का एक्सपीरियंस है, और पूरी तरह से फ्रेश हो गया है। अब ये देखिए अब यहाँ का बाल को हटा देते हैं। जो कि बिल्कुल यहाँ फ्रेश, तो हम फिनिशिंग दे रहे हैं, ये राउंडिंग है कलम को। ये जो है ना, ये राउंड बहुत बेहतरीन निकालने से क्या होता है, अच्छा लगता है, फेस का लुकिंग बढ़िया लगता है। और ये देखिए, और अब मूंछ को भी यहाँ फिनिशिंग
ये मोच देखिए, हम इस तरह का ये ब्लेड को ऐसे कर ली है और ऐसे ऊपर से जो भी मोच निकला होगा एक्स्ट्रा कट जाएगा। ब्लेड यहाँ बिल्कुल सावधानी से चलाया जाता है क्योंकि इसमें अस्तूरा नहीं लगा हुआ है। आप देखिए तोते का बाबा बढ़िया निकला मोच आपका, और थोड़ा जूमिंग करके नजदीक से देखिए मोच कितना बढ़िया फ्रेश एकदम कितना निकला है। भैया का दाढ़ी एकदम चिकना स्मूथ। अब ये देखिए गाल जो है ना कितना मतलब चिकना हो गया है। कैसा बताइए तो बाबा, कैसा लगा आपको ये दाढ़ी बनवा कर? बहुत बढ़िया लगा, देखिए बहुत अच्छा रहा। और हमारे ये नॉर्मल ब्लेड से भैया को शेविंग कर रहे हैं और देखिए भैया को बहुत अच्छा लगा। और जो अस्तूरा से जो बनाने पर जो मज़ा देता है वो मज़ा भैया को लगा क्या भैया? हाँ देख लीजिए आप सबके सामने। और हमारा जो है ये काम आप लोग को अच्छा लगा हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि बस आप लोग आशीर्वाद बनाएं और मेरे वीडियो को अधिक से लोगों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।